हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए। तो ये ट्रेडिंग बैंक निफ्टी का ये डेली का चार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी बड़ा सा फॉल हुआ यहाँ तक का। फिर यहाँ पर जो ट्वीज़र बटन बनाया है, फिर थोड़ा ऊपर से यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया और ऊपर में क्लोजिंग दिया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर ऊपर क्लोजिंग दिया। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा बैंक निफ्टी का, अगर इसके नीचे ना आए नहीं आएगा नहीं आए तो ऊपर यहाँ तक का टारगेट होगा। और अगर यहाँ से नीचे गिर गया तो नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन होगा वो यहाँ तक का। ठीक है, तो हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और देखिए यहाँ से मार्केट फॉल हुआ। ठीक है, यहाँ से मार्केट फॉल हुआ, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ये एक तरह का डब्लू पैटर्न है। ठीक है, डबल बॉटम। ठीक है, यहाँ पर मार्केट देखिए छोटा टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो देखिए यहाँ से आप लोगों को इजीली देख रहा है कि देखिए यहाँ से फॉल हुआ। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पर गया, फिर नीचे आया, फिर ब्रेकआउट। ठीक है, अब यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। जो हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीबन यहाँ तक का होगा, 42,600 का पहला टारगेट। अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिया और यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर गया, ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट हम लोगों का जो निकल के आएगा वो यहाँ तक का होगा, 43,030 के आसपास का टारगेट निकल के आएगा, करीबन यहाँ तक का होगा। ठीक है, यहाँ तक का होगा। नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आएगा तो करीबन यहाँ तक का होगा। देखिए मार्केट यहाँ का ब्रेकआउट दिया, ठीक है, फिर रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया, इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से। अगर बैंक निफ्टी का प्राइस अगर यहाँ तक का गैप अप ओपनिंग होता है तो मार्केट फॉल करेगा, फिर यहाँ से आके कंसोलिडेट करेगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो मार्केट यहाँ तक का आएगा, पहले टारगेट निकल जाएगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हम लोग बाय करेंगे और हम लोगों का जो टारगेट होगा तो वो यहाँ तक का होगा। ठीक है, अगर कंसोलिडेट नहीं किया, डायरेक्ट ऊपर चला गया तो थोड़ा बहुत रिस्की होगा। अगर यहाँ पर कंसोलिडेट किया तो इजीली हम लोगों का शॉर्ट सेलिंग भी हो सकता है और बाय भी हो सकता है। तो निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। फिर देखिए निफ्टी का चार्ट भी एक ही तरफ एक ही है। बैंक निफ्टी को डेली के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, सॉरी निफ्टी का थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। देखिए निफ्टी को चार्ट को देख लेते हैं कि यहाँ पर सीधा सीधा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया गया है और यहाँ से ये डाउन ट्रेंड है। और देखिए यहाँ तक यहाँ ये जो फॉल हुआ था वो कोरोना के वजह से फॉल हुआ था, फिर मार्केट ने ऊपर उठा दिया, फिर यहाँ पर रैली कर गया, मार्केट नीचे आया नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर देख लेते कि यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, ब्रेकआउट देन रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है। तो छोटा टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन, देखिए यहाँ से मार्केट फॉल हुआ। ठीक है, यहाँ से जब भी मार्केट यहाँ पर जाता है तो फॉल होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर के जाता है, फिर नीचे। ठीक है, अभी भी रेजिस्टेंस के आसपास ही है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ से रिटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिटेस्ट करके ऊपर जा सकते हैं। अगर यहाँ से फॉल हो जाता है
ये जोन ब्रेकआउट दे देता है, इसके नीचे मार्केट का प्राइस आ जाता है, तो मार्केट यहाँ तक का आएगा। नेक्स्ट हम लोगों का जो सपोर्ट रेंज आएगा तो यहाँ तक का आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से सपोर्ट ले सकता है और प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है प्राइस, ठीक है। अगर यहाँ से रिटेस्ट करके यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट करके अगर ऊपर की तरफ गया, तो हम लोगों का पहला टारगेट होगा जो यहाँ तक का है, और दूसरा टारगेट जो निकल के आएगा तो यहाँ तक का आएगा होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट दिन का ओपनिंग देख लेते हैं किस तरह का होगा।